गाइस आ तो गए हैं हम लोग यहाँ पे बर्गर किंग पे। बर्गर किंग ऑर्डर किया कुछ 550 रुपये में, कुछ किंग मील मिला यहाँ पे, 5 चिकन नगेट्स, चिकन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक। तो ठीक है, 550 में इतना तो आ ही जाता है। खाना खाएंगे, खाना खा के फिर जाएंगे होटल को, 2 बजेंगे जब तक शायद। तो खाना खा के फिर चलते हैं होटल, फिर प्लान करेंगे, बाहर निकलेंगे कहीं और। तो भाई हमारा ऑर्डर आ गया, सिटिंग करना कितनी बढ़िया है। चलो फिर खाते हैं बर्गर, खा के फिर देखते हैं क्या। इसमें मिला है बर्गर, चिकन फ्राइज, चलो गाइस खाना खा लिया, नीचे उतरते हैं, चलते हैं होटल। 2 बज गए तो आई थिंक अभी और चेक इन कर सकते हैं शायद, यहाँ से नहीं है यहाँ से। रॉयल पैलेस के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती है यहाँ पर। भाई मौसम भी ठंडा है, लोग फॉलो करते हैं मेरे रूल्स, बढ़िया बिना सिग्नल के निकलेंगे नहीं। निकलना होगा यहाँ से, यहाँ पर निकल जाते हैं सीधा हम। यहाँ पे ना लोग शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं यहाँ पे, मतलब गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी आपको, बहुत ही कम है गाड़ियाँ यहाँ। मतलब यार यहाँ पे ना 4 दिन बस नहीं है, आपको बहुत लंबे टाइम के लिए आना चाहिए, एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे आपको अगर आप पूरी तरह से जापान को करना चाहते हो ना, तो आपको टाइम लगेगा। चलो हमारा होटल तो आ गया, ऊपर चलते हैं फिलहाल। कराओके वगैरह भी है यहाँ पे, आप लेके गाने वाने गा के एंजॉय कर सकते हो। चलते हैं 3rd फ्लोर, देखते हैं क्या बोलती है ये। तो लोग बहुत हो गए अभी तो। हेलो गाइस, तो आई थिंक ये है यहाँ की कैप्सूल्स और मेरा है 6203। तो कुछ इस तरह से दिखते हैं एक्चुअली, यहाँ से ऐसे दिखेंगे ऊपर ऐसे, तो बहुत ही क्या बनाया है वाइट।
करूँगा। ये रहा मेरा पेट अगले 4 दिनों के लिए, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है यार, बढ़िया है। अंदर चार्जिंग पॉड वगैरह भी है आई थिंक, छोड़ के देखते हैं। 6203 अरे मेरे को नीचे दे देता यार। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप देख सकते हो पूरी यही है। अभी मैं आपको पूरा रूम मतलब पूरा होटल का टूर दूंगा, अभी तक तो दिया नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। और फिलहाल तो कोई नहीं है यहाँ पे, सब लोग गए हुए होंगे आई थिंक। तो ठीक है, बढ़िया है। अभी चेक करते हैं, खाली अंदर देखते हैं जाके कैसा है। तो ये अंदर आने के बाद कुछ ऐसा है। ठीक है यार, मतलब उतना बढ़िया नहीं है बेड, अगर आप देखोगे ना उतना कंफर्ट नहीं है। और इन्होंने चार्जिंग वार्जिंग का कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है। अलार्म 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 लगा सकते हो आप। आई थिंक यहाँ पे रूम लाइट चैनल गाने मतलब आई थिंक चला सकते हो। और अंदर छोटी सी टीवी भी दी है। और ये बाहर का डोर तकिया यहाँ लगाओ और आराम से सो जाओ। ठीक है, बढ़िया है। इसमें अगर ये चार्जिंग का देते तो और अच्छा होता आई थिंक। अच्छा, इससे ब्लू लाइट बंद, इससे ऑन हो जाएगी आई थिंक। इससे लो भी रख सकते हैं आप, या ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, बढ़िया है यार। मतलब ये ऐसा अभी तक कैप्सूल मैंने देखा नहीं था, बहुत बढ़िया है। इसको मैं प्रॉपर एक टूर दूंगा आप लोगों को। अभी तो चलते हैं फिर वापस। तो अभी ना एक्चुअली गाइस मैं घर निकला हूँ ये चार्जिंग प्लग, क्योंकि हॉस्टल में जो है ना वो यहाँ का लोकल वाला ही है प्लग, मतलब इंडिया वाला या कोई भी कंट्री का नहीं लगेगा। अगर आपको चार्जिंग करनी है तो पे करके चार्जिंग करो, या तो फिर एक प्लग ख़रीद लो। मैंने लिया ये 500 रुपये का पड़ा मुझे, मतलब 500 येन का। ठीक है, चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, लैपटॉप है फ़ोन है। अब फ़ोन में मेरे सिर्फ 35% चार्जिंग है आई थिंक, तो चार्जिंग करना ज़रूरी है निकलने से पहले, क्योंकि मैं निकलूँगा चार्जिंग हो गई तो फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, तो ये ज़रूरी था यार पहले, इसलिए मैंने बोला चलो पहले ये ले लेते हैं। और ऐसे ही देख रहा था बहुत सारे यार, मतलब बहुत बढ़िया है यार ये कंट्री, इन्होंने इतना डेवलप किया है अपने आप को, मतलब आप सोच नहीं सकते। आप ना जब पर्सनली आओगे यहाँ पे तो ही एक्सपीरियंस कर पाओगे इनकी टेक्नोलॉजी, और जिस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी बिल्डिंग्स बनी है ना, बहुत बढ़िया है सब कुछ, बहुत ही एकदम बेहतरीन बेहतरीन तरीके से इन्होंने सेट किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, अब तक की बेस्ट कंट्री है। निकलने वाला तो था यार मैं, बट फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं है ना, तो पहले चार्जिंग करनी पड़ेगी।
चार्जिंग करने के लिए फिर जाना पड़ेगा हमें होटल को, हॉस्टल जाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा उसके बाद, फिर निकलेंगे बाहर। चलो उसके बाद देखते हैं यार, मेरे को फिर रॉयल पैलेस जाना है, उसकी टाइमिंग वगैरह चेक करते हैं क्या टाइमिंग होगी कैसी होगी, क्योंकि टाइमिंग की पता नहीं ना टाइमिंग क्या हो सकती है। तो गाइस ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, ऊपर कैप्सूल्स है, नीचे सोना बाथ सब कुछ है, पर वहाँ पे ना वीडियो लेना अलाउ नहीं है तो मैं वो बना नहीं पाऊँगा। तो यहाँ से लिफ्ट चल होगी जैसे आप अंदर आओगे। ओह आई थिंक ये लॉबी में आ गया मैं, ठीक है चलो कोई नहीं लॉबी बता देता हूँ मैं, ये लॉबी और यहाँ पर इन्होंने राइस कुकर वगैरह दिए हैं, आई थिंक टोस्टर्स दिए हैं, ये पावर चार्जिंग पावर वाले दिए मैंने, बोला जो भी दो सौ ये देना पड़ेगा भाई, तो मैंने बोला चलो प्लग ही ला लेते हैं बेटर रहेगा। और यहाँ पर नूडल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हर चीज़ है, महंगा होगा यहाँ पे तो ऑब्वियस, और यहाँ पर भी आप कॉइन डालो और लॉन्ड्री इस्तेमाल कर सकते हो, पता नहीं आई थिंक ये 3 kg तक 120 लेते हैं, हमें तो धोना है नहीं यार, चलो कोई बात नहीं क्या करना है। और फिर अंदर लॉबी है जहाँ पे बैठने की जगह है, टीवी है, चार्जिंग स्टेशन है, फिलहाल तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ अपने को, क्योंकि ऊपर जाके चार्जिंग पे लगाएंगे लेट जाएंगे थोड़ी देर, बेटर रहेगा फिर बाद में निकल सकते हैं बाहर, एक घंटे से फिर मैं निकलूँगा चार्जिंग करके, चार्जिंग अभी कम है यार, चार्जिंग होनी ज़रूरी है। हमारे जो रूम्स है वो है 6th फ्लोर पर और 8th फ्लोर पर ओनली फीमेल, और रिसेप्शन 3rd फ्लोर पर है, और यहाँ पर 2nd फ्लोर पर ब्रिटिश पब बोलकर है क्या, आई थिंक रिसेप्शन है हमारा होटल का। उसके बाद फिर ऊपर जो है ना पूरे रूम्स वगैरह ही है होटल के, और ये बाहर का व्यू कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है ये हम आ गए रूम की तरफ। हवाई कैप्सूल से ज़्यादा आवाज़ से बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लोग आराम करते हैं सोते हैं। और मुझे दिया है 6203, तो ये वाला है मेरा कमरा। तो गाइस 3 दिन के लिए मैं इसी कमरे में रहने वाला हूँ कैप्सूल में, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, ठीक है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है मेरे, मतलब चाहिए आप लोग कोई, मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, कोई सजेशंस देना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरे को, मैं ज़रूर वर्क करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आहिस्ता बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, टेक केयर।